सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे हाउस फ्लिपर गेम को। तो गाइस पिछले एपिसोड में आपको याद होगा कि हम लोगों ने अपना एक घर खरीदा था जिसको हम लोगों ने अच्छे से डेकोरेशन किया, हमने उसको अच्छे से क्लीन किया भाई, बहुत कुछ काम किया, उसको अपग्रेड किया। बट गाइस यार बहुत सारे के सारे मेहनत यार फालतू गए हैं, क्योंकि गाइस हमारे घर में हो चुकी है बहुत ही बड़ी चोरी। गाइस यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मेरा एक बहुत ही बड़ा रेफ्रिजरेटर था भाई, वो यहाँ पर चोरी हो चुका है। साथ में गाइस यहाँ पे बेड के पास भी बहुत सारे भाई आइटम्स थे, किचन में बहुत सारे आइटम्स थे भाई, बाथरूम में बहुत सारे आइटम्स थे भाई, वो सब कुछ गाइस चोरी हो चुका है। बाकी चोर ने यहाँ पे दीवार वगैरह भी तोड़ दिया था, बाकी मैंने यहाँ पर वापस से रिबिल्ड किया दीवार को और भाई अच्छे से भाई पेंट वगैरह भी किया है। गाइस जरूर से कमेंट में बताना भाई पिछले वाला पेंट अच्छा था या फिर ये वाला जो मैंने कलर भाई कॉम्बिनेशन किया ये वाला अच्छा है। मैं भाई दोनों में कंफ्यूज हो रहा हूँ। बाकी यार आज हम लोग जाने वाले हैं थोड़ा सा पैसा कमाने, क्योंकि भाई देख सकते हो मेरे पास अभी भी भाई फिलहाल 400 रुपये ही पड़ा है, मतलब 400 रुपये मतलब कुछ नहीं होने वाला यार। इसलिए आज हम लोग जाने वाले एक अच्छे से क्लाइंट के पास जिसे कि हमको बहुत ही अच्छी कमाई देने वाली है। तो गाइस मैंने यहाँ पर मेरा टैबलेट ओपन कर दिया है और यहाँ पर मैं यहाँ पे टास्क ऑफिस वाला यहाँ पे टास्क करने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ये भाई मुझे 8000 रुपये दे रहे हो और यहाँ पर ये देखो टास्क लिस्ट भाई कितनी बड़ी है। बाकी चलते हैं इनका भाई काम करने, क्योंकि भाई मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा नीड पड़ने वाली है। तो गाइस यहाँ पर एब्सेट करते हैं और चलते हैं उनके ऑफिस में। सो गाइस मैं यहाँ पर एड्रेस में पहुँच चुका हूँ और भाई यहाँ पर भूत बंगला है या फिर ऑफिस है मुझे कुछ कंफ्यूज लग रहा है भाई। यहाँ पर गाइस देख सकते हो बहुत ज़्यादा अंधेरा है, साथ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा भी है। तो फटाफट से काम करते हैं, इन सभी कचरे को हमें फटाफट से भाई बेच डालते हैं भाई। यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा कमाई होने वाली है। यहाँ पे 175 रुपीज़ एक बॉक्स को बेचने में मिल रहा है हम लोग को, मतलब यहाँ पर देख सकते हो मेरा भाई यहाँ पर पूरे के पूरे कह सकते हो 1000 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो चारों तरफ जाला ही जाले, यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा हो गया है। और ऊपर ये कौन सा बॉक्स है, अच्छा इलेक्ट्रिक बॉक्स है गाइस, इसको अच्छे से भाई सजा देते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पर नए नोट लगा देता हूँ, यहाँ पर इसको अच्छे से कस देते हैं और यहाँ पर इस स्विच को भी ऑन करते हैं, देखते हैं। ओके गाइस यहाँ पर गाइस फाइनली हमारी लाइट आ चुकी है और यहाँ पर गुड जॉब का भी सीन मिल चुका है। तो फटाफट से काम करते हैं, जितने भी कचरे ना इसको भाई साफ कर देते हैं। यार इस घर का जो ओनर है, सॉरी इस ऑफिस का जो ओनर है ना भाई, ये बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। एंड अगर हम लोगों ने इसका घर अच्छे से क्लीन किया ना गाइस, हो सकते हैं आगे हमको वो बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए भाई। इसलिए मैं इसको अच्छे से अच्छे मजे से साफ करने वाला हूँ। बाकी यहाँ पर देख सकते हो ये वाला हमारा ऑफिस का एंट्रेंस यहाँ पे साफ हो चुका है। ओ भाई ये क्या भाई ऑटोमेटिकली कर रहा है क्या भाई मशीन। गाइस यहाँ पर देख सकते हो भाई यहाँ पे रूम में कचरे से ज़्यादा कॉकरोच है भाई, मतलब इतने सारे कॉकरोच अगर एक रूम में है तो भाई सोच लो बाकी रूम में कितने सारे होंगे। और ये जो मशीन है ना, बस इसको जैसे मैं ऑन करता हूँ ना, देखो गाइस मैं जैसे इसको ऑन किया और ये देखो ये ऑटोमेटिकली सारे के सारे कॉकरोच को ले जा रहे हैं अंदर भाई। सही चीज़ है यार भाई। चलो मैं यहाँ पर फटाफट से जितने भी सारे कॉकरोच है ना इनको भाई क्या करता हूँ इस मशीन के थ्रू इसके पाइप के अंदर ले लेता हूँ और बाद में इसको फेंक देंगे बाहर पर। और मैं यहाँ पे कॉकरोच वगैरह क्लीन कर चुका हूँ और यहाँ पे जितने भी सारे यहाँ पे थैली वगैरह है ना गाइस इसको भी रखते हैं बाहर। साथ से भाई ये जो ऑफिस है ना बहुत सालों से बंद पड़ा है, इसलिए इतने सारे कचरे इतने सारे कुछ है। और भाई ऑफिस का ओनर भी कौन है यार, बहुत बड़ा बिजनेस मैन है उसका, तो भाई चारों तरफ बिजनेस है भाई। वो अगर ऐसे भी एक बिजनेस को ना देखा ना भाई तो भाई उसका कोई ज़िंदगी में फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट हम लोग अपने बिजनेस को अच्छे से देखना पड़ेगा और भाई हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा आदमी बनना पड़ेगा गाइस। तो ओके बात करते करते मैंने यहाँ पे सारे के सारे कचरे को साफ कर दिया है, अभी बस हमको दीवार को साफ करना है अच्छे से। और यहाँ पर गाइस देख सकते हो ये दीवार भी मुझे ऐसे बहुत टाइम से लग रहा है कि भाई क्लीन हुआ ही नहीं है, तो मैं फटाफट से क्लीन करके मिलता हूँ। सो गाइस मैंने सारे के सारे रूम को अच्छे से क्लीन कर दिया गाइस। छोटे मोटे टास्क थे, किसी में भाई विंडो क्लीन करना था तो किसी में भाई कचरे को निकाल के भाई डब्बे में डालना था, बस इतना ही था। बाकी चलते अपने लास्ट रूम में जिसमें बहुत ज़्यादा टास्क है, तो चलते बेसमेंट 5 में। तो गाइस फाइनली हम लोग बेसमेंट 5 में आ चुके हैं और गाइस यहाँ पर देखते तो कितना ज़्यादा कचरा है यार। बाकी रूम में तो भाई कोई भी कचरा वचरा नहीं था भाई, बहुत कम काम था। बाकी यहाँ पर देखो कॉकरोच आते ही आते भाई, यहाँ पे कॉकरोच है सारे के सारे रूम में, वैसे भी कॉकरोच ही थे यार भाई। मतलब भाई ऑफिस रूम में ज़्यादा से ज़्यादा कचरे इतने नहीं है, उससे ज़्यादा कॉकरोच है, इसलिए शायद से हमको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं इस सब काम के। तो फटाफट से मैंने सारे के सारे कॉकरोच को क्लीन कर दिया है और यहाँ पर भाई मुझे यहाँ पर सारे के सारे भाई जितने भी थैली है ना इसको भाई बाहर फेंकना है। उससे पहले देखो यार मैंने क्या देखा है यहाँ पर, यहाँ पर देखो यहाँ पर सारे के सारे बुक को कैसे रखे हुए हैं यार, सही इस्तेमाल कर रहे हैं बुक का भाई इन्होंने।
चलो यहाँ पे भाई काम करते हैं, अपने अपने काम में मतलब रखते हैं, और मैंने यहाँ पे अच्छे से काम किया तो मुझे यहाँ पे अच्छा खासा पैसा भी मिलना चाहिए गाइस। यहाँ पे ऐसे भाई पिज़्ज़ा पार्टी हुई है भाई एक साल पहले से यार, नहीं सकते हो। और बाकी मैं ये सारे के सारे डिब्बे को यहाँ पे बेच देता हूँ, यहाँ पे भाई $10 में जा रहे हैं, क्या फ़ायदा यार, कोई भी प्रॉफिट नहीं है। इसको भी बेच देते हैं और इसको भी बेच देते हैं। यहाँ पे गाइस अभी क्लीन करने की बारी आ चुकी है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टेबल में यहाँ पे भाई क्लीन करने वाला हूँ टेबल को। टेबल चकाचक कर दिया, नीचे यहाँ पे शायद से पान थुक्के किसने रखा हुआ है शायद से, और बाकी यहाँ पे हरी चटनी इसको भी साफ करते हैं। और यहाँ पे पानी की लीकेज हो रहा है यार, सारे के सारे रूम में भी ऐसे पानी की लीकेज हो रही है। मेंटेनेंस करो यार, ऐसे क्लीन करने से कुछ नहीं होगा, बार बार क्लीन करने के लिए बुलाना पड़ेगा हम लोगों को। बाकी सही है ना यार, अपना ही प्रॉफिट है इसमें। तो चलो यहाँ पर सारे के सारे मैंने यहाँ पर भाई जितने भी पानी है, और यहाँ पर थोड़ा सा ले रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी सारे पानी थे ना ऐसे इसको क्लीन कर दिया। अभी बस दीवार को अच्छे से क्लीन करना है बस, अभी हमारा टास्क यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और ये वाला आखिर दीवार शायद से, और अभी कोई दीवार है क्या मुझे तो नहीं, अच्छा ऊपर है यहाँ पर गाइस। यहाँ पे भाई जैसे मैंने बोला था मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस रूम को, तो मैं यहाँ पे फटाफट से इस दीवार को भी करते हैं क्लीन। और ये वाला दीवार में हाथ नहीं पहुँच रहा, एक सेकेंड रुको यार ये, ओके यहाँ पर भाई इसको भी करते हैं क्लीन। तो गाइस हमारा टास्क वगैरह कंप्लीट हो चुका है, हमने रूम को अच्छे से क्लीन कर चुके हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हो हमको 8,000 रुपये मिल चुके हैं, जो कि भाई हमको भाई 4-5 मिनट के अंदर मिल ही जाएगा अपने बैंक अकाउंट में। तो गाइस चलो यार आज के वीडियो बस इतना ही यार, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, सायोनारा।